ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है जहां टंटिया मामा जनजाति गौरव यात्रा के शुभारंभ किए गए। दौरान गौरव यात्रा से माध्यम से बता दी कि जनजातीय समुदाय के लोगन का पेशा एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गए। विंध्य क्षेत्र के पहले बगे न्यूज चैनल महापूजा अपना 25 बजे इनका प्रणाम कहते शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि शहडोल में जयसिंह विधानसभा के अंतर्गत भाजपा मंडल जयसिंह नगर में लोकप्रिय विधायक जयसिंह मरावी के मुख्य अतिथि में चौपाल लगाए के ग्राम पंचायत कुबरा से जनजाति गौरव यात्रा के प्रारंभ किए गए। जिसके बाद दरौड़ी चित्राव हुई के जनसंपर्क करके चौपाल के माध्यम से जन जन का पेशा एक्ट के बारे में विधायक जयसिंह मरावी के द्वारा लोगन का जानकारी दी गई। के साथ ही बताया गई कि शासन के जन कल्याणकारी योजना के बारे में भलाय विस्तार से प्रकाश डाला गया और जनजाति गौरव यात्रा के शहडोल जिला के प्रभारी और भाजपा जिला शहडोल के महामंत्री मनोज सिंह आर्मी तथा जिला के सह प्रभारी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह मार्को भाजपा पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरुण गौतम तथा और भाजपा मंडल जयसिंह नगर के मंडल अध्यक्ष राम नारायण पांडे के साथ बड़ी संख्या में बताई दी कि उपस्थित जे जनप्रतिनिधि रहे उनके द्वारा अपन विचार व्यक्त किएगा और सरकार के उपलब्धि के साथ पेशा एक्ट के बारे में लोगन का समझाइश दी गए। यात्रा के दौरान विधायक जयसिंह मरावी के साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष फूलमती सिंह मंडल महामंत्री और ग्राम पंचायत डोलर के सरपंच के साथ पूर्व जनपद अध्यक्ष मलेशिया अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष राम लाल खटिक के साथ साथ बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। बताया दी कि इस दौरान ग्राम पंचायत ढोलर में जनजाति समुदाय के लोगन के द्वारा सैला नृत्य और मांदर बजाए के विधायक जस मरावी और उनके साथ चले वाले संगठन के पदाधिकारियों के स्वागत किएगा। देखे बाद ग्राम पंचायत ढोलर से जनजाति गौरव यात्रा के शुरुआत है। एमपी संदेश न्यूज 24 के संवाददाता पंकज पांडे के खास रिपोर्ट में देखी गौरव यात्रा से जुड़ी प्रमुख झलकी। रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल, दे इजाजत। प्रणाम पांडे जी, करकी मंडल से अध्यक्ष आदरणीय राजेश द्विवेदी जी, हमारे मंडल के महामंत्री आदरणीय देवा प्रयासी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण गौतम जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती फूलमती सिंह जी, आपके ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया श्रीमती शकुंतला भाई जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश जी, अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष आदरणीय रामलाल कटी जी, आदरणीय हीरालाल पाल जी, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष देवकी सोनी जी, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जनपद सदस्य आदरणीय मलेशिया भाई जी, आदरणीय यहाँ पर मंच में विराजमान है लक्ष्मी प्रसाद तिवारी जी, जुगल किशोर तिवारी जी, सीताराम ठाकुर साहब, तुलसीदास गुप्ता जी, नकौड़ी लाल गुप्ता जी, अजीत कुमार गुप्ता जी सरपंच और मुन्नू यादव जी, और हमारे युवा नेता आदरणीय दुर्गेश शर्मा जी और रमा तिवारी जी और उपस्थित यहाँ पर इस ग्राम पंचायत के मेरे भाई और बहनों, अभी आदरणीय अरुण जी बहुत विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के विषय में उन्होंने चर्चा की परिस्थितियों में यहाँ तक हम लोगों ने पहुंचा लगातार संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और आज भी हम लोग कर रहे हैं। कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं बैठने का अगर समय मिल जाए तो असंभव इसलिए मैं हाँ ठीक आएगा कानून बना हुआ है
आपके शहडोल जिले के लाखपुर धरती से वो जो ठेका खेती जो है पास हुआ है उसके संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग ही आए हैं लेकिन गांव में जाकर के आप चौपाल के माध्यम से लोगों को समझाने का उसको जनजागृत करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से है वो पेशा एक कानून के अधिकार को आप लोग समझें और बनाए पूरा अधिकार ग्रामसभा को है यहाँ अब यहीं के चौपाल से जो भी काम निर्णय होंगे भोपाल के चौपाल में माना जाएगा भोपाल के चौपाल से यहाँ नहीं आएगा अब निर्माण काम वहां पर नहीं आप